Change is difficult at first. It is messy in the middle, but it is gorgeous at the end. Drop it. WTV की याद आई होगी, है ना? RIP WTV. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा WTV है क्या. Weekly Tuesday Vlogs. UIC Vlogs आने से पहले हमारे व्लॉग्स आते थे WTV इस नाम से. और सच बताओ ना, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी WTV बंद करने की. बट इट वॉज द नीड ऑफ द आर. चेंज वॉज नीडेड. एंड चेंज रिमाइंड्स मी, 2017 में UIC इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ बदला है. 2017 की शुरुआत हुई थी दो बहुत ही जबरदस्त चीज़ों से. पहली थी रिफंड रेवोल्यूशन, हमारे पैसे हैं बस मैं इतना मांग रहा हूँ कि हमें वो 48 आवर्स के अंदर मिल जाए. और दूसरा था सुपर कंज्यूमर सीरीज. रिफंड के मामले में काफ़ी सारी चीज़ें की हमने. हमने RTI डाला, हमने PMO को लेटर लिखा, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा था कहीं से भी. इसीलिए मैंने शुरू की सुपर कंज्यूमर ये सीरीज. Yeah, I miss that series so much and I know you guys miss it too. But guys, frankly speaking, apart from social awareness and self-satisfaction, मुझे और कोई profit नहीं हुआ इस series से और मैं बहुत ज़्यादा time दे रहा था उसमें. And it was not working out because the channel was in a mess. Now, why was the channel in a mess? क्योंकि मैं हफ्ते के 3 videos डाल रहा था. सबसे पहले आता था अपना vlog Tuesday को, उसके बाद Thursday को आता था consumer related video और Sunday को आता था super consumer वाला video. तो super consumer host करने वाला आदमी एकदम serious बन के बैठा है यहाँ पे अंधेरे में. और super consumer के दूसरे episode में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और फिर जाके वो Tuesday को अपनी personal life दिखाता है. अगर vlog नहीं करता तो miss करता था. So these two things were so contradictory that they were not looking good on our platform. So then I had to take the biggest decision of 2017. I separated the two things. WTV had to end then and there. Entertainment, entertainment, entertainment. And I, my friends, am not entertainment. और जन्म हुआ the next big thing UIC Vlogs का. और हाँ, मैं पागल हूँ. Like ये पागलपन के बिना एक creator नहीं कहलाता. WTV became the niche of our channel, which was not intended basically. Let me tell you this. अगर आप एक creative person हो, creative people will be able to connect here, then you are crazy. Then you are हटके. And that thing was seen on UIC Vlogs. सरे मजे जीवा शिवा रे जीवा शिवा मजा पंचू तू मजा पंचू जीव तू मजा पंचू जीव अपन दोगो एकमेकांचे पंचू जीव. मुझे पता नहीं था आप लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे. और फ्रैंकली स्पीकिंग मेन चैनल पे मैं बंधा हुआ था. तो जब UIC व्लॉग्स आया, आई कुड जस्ट ओपन माय सेल्फ. हम तो धन्य हो गए भाई. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट? या बट व्हाई व्लॉग्स, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है भाई लोग. People nowadays have a strange kind of obsession with all the materialistic possession that they have. They want iPhones, they want Mercedes, they want all these materialistic things. और उनको लगता है ये सारी चीजें मिलने के बाद वो खुश हो जाएंगे. But that is not happiness. And I wanted to explain that. Main क्या है? A से B पहुंचना है ना? मैं तो ट्रेन में भी जा सकता हूँ. 15 crore का गाड़ी है. And I went on explaining that thing in my own style, UIC का हटके तरीका. फिर चाहे लोगों को clickbait बोलने दो या कुछ भी बोलने दो. Buying a Mercedes, my million-dollar house, how I became a millionaire, my farm, my fools, beat anything. कुछ भी मुझे title में डालना पड़े, कोई भी thumbnail रखना पड़े, I wanted people to see it because that is how I live my life, plain and simple. मैंने सोच लिया था मैं कैमरे पे पैसे नहीं उड़ाने वाला views के लिए. मैं पैसे से बड़ी चीज दिखाने वाला हूँ जो है लाइफ. लाइफ स्टाइल, वॉट इज लाइफ स्टाइल विदाउट लाइफ? सो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, राइट? दैट इज वॉट UIC व्लॉग्स इज ऑल अबाउट. मुझे इनिशियली लगा था लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा. अभी भी ग्रोथ काफी स्लो है, पर एक चीज बता दूं, मेरा एक UIC फैमिली मेंबर 100 लोगों पे भारी पड़ता है. बिकॉज वी आर द पीपल हु बिलीव इन हैशटैग औकात, वी आर जिद्दी, वी आर क्रेजी, वी आर गेम चेंजर्स. इस साल मेरा एक और सपना पूरा हुआ जो था रेड कार्पेट पे चलना. और YouTube ने ना ही मुझे सिर्फ रेड कार्पेट पे इनवाइट किया, उन्होंने मुझे उनके क्रिएटर कैंप में बिजनेस पे बात करने के लिए भी इनविटेशन दिया. सर, फॉर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वे प्रसाद फॉर योर न्यू कंज्यूमर. थैंक यू. थैंक यू ईच एंड एवरीवन हु चीयर्ड फॉर मी. UIC, 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 UIC.
This year we were in the news like crazy, be it because of our main channel, because of refund, because of our vlogs. We were in the news. देखते हैं क्या आया है पेपर में. We even got our UIC anthem. Your Indian consumer baby. Your Indian consumer baby. I'm Hindustani grahak ab sabse upar baby. Celebrities like Akshay Kumar shared our videos on their official handles. Awesome, right? Merch. Yeah. Merch. अभी तक 2000 t-shirts बिक चुके हैं. T-shirt से याद आया. #औकाद ये वो शब्द है जो सभी को हजम नहीं हुआ. क्या आपकी औकाद है कि आप ओरिजिनल इस्तेमाल करें? और ये वो मर्च है जो सभी लोग पहन भी नहीं सकते. बिकॉज इट रीड्स ओनली ओरिजिनल नो कॉपी. यस, 2017 में हमने शुरू की हमारी फाइट अगेंस्ट द कॉपी प्रोडक्ट. वी आर एट वॉर एंड द वॉर इज स्टिल ऑन. बाय द वे, अगर आपके फ्रेंड्स कॉपी प्रोडक्ट्स पहनते हैं ना, उनके सामने ये टी शर्ट पहन के जाओ. बस जाओ, उनको दिखाओ ऐसे. We are at war was followed by the COD revolution. अभी refund तो आ नहीं रहे थे, इज्जत से refund अभी तक आ नहीं रहे हैं. तो मैंने सोचा यार COD revolution करके चीज बनाते हैं. And guys, COD revolution went like crazy. The UIC family was stronger than ever this time. And people just, you know, बजा डाली यार. And according to the latest update, Flipkart has initiated its open box delivery service. खैर देर आए दुरुस्त आए. Now the entire year was like a fight for survival thing. मतलब यहाँ पे main channel ठीक से चल नहीं रहा है, उस पर मैं video भी नहीं डाल रहा हूँ, और यहाँ पे UIC vlogs की भी हवा फुस होते जा रही है. तो I had to do something. I had to plan out something else. मुंबई फूड फाटाफाटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पर उसको एक अलग टच देने का टाइम आ गया था. आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग टूरिस्ट प्लेसेस विच वर इन मुंबई इन माय व्लॉग्स, एंड बाय डूइंग सो अगेन आई वाज इन द न्यूज. दैट्स ऑसम. आप या तो मार्केट दिखा सकते हो, कॉपी दिखा सकते हो, या तो आपका दर्जा बढ़ा सकते हो. एंड आई हैव हाई स्टैंडर्ड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी. वी इवन डिड पीओ बॉक्स की अग्नि परीक्षा, एंड अगेन यू गाइज हेल्प मी, एंड फाइनली टुडे वी आर सक्सेसफुल इन दैट. मेरे में ये कीड़ा है, आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डिड प्रैंक्स. दीपिका पे कुछ प्रैंक्स किए, किसबेट वाला प्रैंक, #किसबेट अगेन, इट वाज लाइक #औकात ब्लैकलिस्टेड. किसी तीसरे की बीवी को जाके पप्पी थोड़ी ना ले लिया मैंने यार. अरे ऐसा करके तो देख, धोखे इतना कुछ होगा सर. पर्सनली आई लव्ड द प्रैंक, बट पीपल डिड नॉट लाइक इट. आई डोंट नो व्हाई, स्टिल आई वंडर व्हाई. सो एम आई रॉन्ग? आफ्टर दैट आई मेड अ डेली रूटीन वीडियो, फिर से लोगों को अच्छा नहीं लगा. आई स्टिल डोंट नो व्हाई. मे बी इफ आई वुड हैव बीन अ लाइफस्टाइल चैनल तो चलता था, बट आई वॉज अ रिव्यूअर और अ टेक चैनल और अ कंज्यूमर सेंट्रिक चैनल. कंज्यूमर सेंट्रिक ऐसा तो कुछ है ही नहीं. बट टुडे आई फाइंड चैनल्स विच आर लाइक मी, विच रिव्यू एवरीथिंग, विच रिव्यू होम अप्लायंसेस, विच रिव्यू इवन लेज एंड अमूल माचो. हो गया उसका रिव्यू भी. सो पीपल फाइनली स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाट आई हैड स्टार्टेड डूइंग 4 years बैक. आई इवन डिड सम फिनोमिनल कोलैबोरेशंस दिस ईयर टू नेम फ्यू. फर्स्टली हम लोग भूटान गए थैंक्स टू ट्रैवल रूट. Yeah, that was an awesome trip. Deepika parat jauya. I collaborated with Bhai Hatke, kept a giveaway, and finally I collaborated with Saurabh's Fitness because Mumbai Food Fatafati had added a lot of pounds on me. Sab fatafati hai. Ha. Ladi pav idhar ladi pav. Panaram ladi ka bhi kadak ban raha hai. सिग्नेचर स्टेप. वजन कम करने की इच्छा बहुत पहले से थी, बट नाउ हियर इज अ सीक्रेट. मुंबई फूड फाटाफाटी में पागलों की तरह खाना खा के मोटा होना वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान. Yes, क्योंकि बाद में पतला होना था यार. एक कदम आगे, ट्रेडर हूँ. स्पीकिंग ऑफ ट्रेडिंग, मुझे लगता है जब भी से मैंने होस्ट संभाला है तभी से ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ यार मैं. यूट्यूब पे साला जिंदगी का सट्टा खेल लिया इस इंसान ने, और जब ये इंसान इंस्टाग्राम पे बोलता है कि यार आई वॉन्ट टू क्विट यूट्यूब, तभी किसी को फर्क नहीं पड़ता. वैसे कुछ लोगों को फर्क पड़ा और मुझे पता है वो लोग कौन है. जी हाँ, इस साल का मेरा दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन, क्विटिंग यूट्यूब एज माई फुल टाइम करियर. आई एम नो लॉन्गर अ फुल टाइम यूट्यूबर, विच Surprisingly is a great thing, but people don't think that way. I don't know why. जब मैं YouTube पे आया तब मैं struggle कर रहा था, करने को कुछ बचा नहीं था, फिर जाके मैंने YouTube का सहारा लिया. अब जब मुझे उस सहारे पे इतना ज़्यादा dependent नहीं रहना पड़ रहा है, तो यार लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, I don't know. But I know OG UIC family members are loving it because their boy is moving up the ladder. मतलब Bruce Wayne पहले से Bruce Wayne था, उसके पास बहुत पैसा था, फिर जाके वो Batman बना. मेरे पास कुछ नहीं था यार, फिर भी मैं छाती ठोक ठोक के इधर कंज्यूमर्स के लिए लड़ रहा था. The good thing is I am way more powerful now in terms of contact, in terms of finance, in terms of everything. और जब भी कंज्यूमर्स को, इंडियन कंज्यूमर मार्केट को मेरी ज़रूरत होगी, मैं उसी जोश के साथ यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलूंगा. मैं YouTube क्विट नहीं कर रहा, किसी को कुछ भी बोलने दो, यहाँ पे मैं खड़ा रह के आपसे बोल रहा हूँ.
मैं YouTube क्विट नहीं कर रहा, मैं YouTube बस पार्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि YouTube को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। इट इज़ अ गुड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, यू शुड नॉट टेक इट एज अ करियर। और जहाँ तक आप लोगों के साथ का सवाल है, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला भाई लोग, कभी नहीं। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि UIC डिफाइन प्रसाद वेद पाठक इन वन वर्ड, सो हियर इज द वर्ड फॉर यू गाइज, आई एम अ सर्वाइवर, आई डोंट से आई क्विट, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ आई क्विट। जब भी आपको लगेगा कि प्रसाद का डाउनफॉल शुरू हो गया है, तभी मैं कह रहा हूँ, ऐसा दाव खेलूंगा कि आप लोग हैरान रह जाओगे। बस यही करते यहाँ तक आया हूँ मैं, 2017 खत्म होने को आ गया, 2018 जल्दी शुरू होने वाला है, एंड आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर, कॉन्फिडेंट देन एवर, फीलिंग सो मच पम्प्ड, एंड द UIC फैमिली इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। आई लव यू गाइज। वी स्टार्टेड दिस ईयर विद वन मेस्ड अप चैनल, एंड टुडे वी हैव two awesome channels with us. I won't be wrong if I say they are amongst the best digital marketing platforms out there right now. Actually, we don't just have two awesome channels, we have three, we even have Deep Life, or should I say four, because we even have Deepika Pakes. So this was our journey till this point, and I would like to thank each and every UIC family member for supporting us. Have an awesome new year, guys. UIC you later. And yeah, by the way, merch link in the description below. 2018, here I come.